नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष डोगरा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे ठीक से होंगे। तो आज हम दोस्तों पालक की हार्वेस्टिंग करेंगे और साथ में इसकी केयर कैसे करनी है वो भी बताएंगे। जितनी हमें दोस्तों जानकारी है वो हम बताएंगे। ये देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, कितने बड़े बड़े पत्ते हो गए हैं इसके। ये देखिए, तो आज हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग का सही तरीका क्या है वो हम बताएंगे। दोस्तों, अगर हम सही तरीके से हार्वेस्टिंग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पालक की पैदावार ले सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये मैं तीसरी बार दोस्तों हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। देखिए तीसरी बार भी कितनी अच्छी बड़े बड़े पत्ते पालक हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट भी कर देना। हाँ, आज मेरा पोता भी ऊपर आया हुआ है मेरे साथ। आप इसमें वेजिटेबल डालना। ठीक है ठीक है दोस्तों, ये पालक जो है ये ज़्यादा इसको केयर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें आप लोग 15 दिन में, जैसे 15 दिन में या फिर महीने में भी अगर एक बार इसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे ना तो बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि इसको ज़्यादा केयर की न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं होती है और पानी भी इतनी ज़्यादा नहीं ज़रूरत होती पानी की भी। तो पानी भी आप लोग जब इसकी ऊपर की सतह जो है, मिट्टी जो है वो अगर सूख जाए तो फिर ही वाटरिंग कीजिए। जैसे ये देखिए, ये अभी गीला है तो अभी मैं नहीं करूँगी, लगाऊँगी पानी। लेकिन हाँ, हार्वेस्ट करके तो मैं गोबर खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट डाल दूँगी, फिर थोड़ा थोड़ा पानी लगा दूँगी। है तो गीला ही अभी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा पानी लगा दूँगी। जो बड़े बड़े पत्ते हैं वो सारे निकाल लूँगी।
इधर से भी ले लेते हैं। इधर तो थोड़ी ही है इस कंटेनर में, थोड़ा कम ही बीज इसमें डाला हुआ है, क्योंकि इसमें ना कड़म लगाया हुआ था गांठ गोभी, तो वो निकाल लिए। तो पालक अभी है, देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता ही है पालक जो है ये विटामिन सी इसमें और आयरन का बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छा मतलब सोर्स माना जाता है। तो दोस्तों आप लोग भी लगाएं, अभी मौसम भी है पालक लगाने का, तो चाहे छोटा सा छोटा भी कंटेनर हो उसमें भी हो जाएगी, तो आप ज़रूर लगाइए। देखिए मेरी टोकरी भर गई है। अभी चलिए एक तो मूली भी निकाल लेते हैं। ये है मूली, देखिए कितनी बड़ी बड़ी हुई है मूली। ये थोड़ा सा धनिया भी ले लेते हैं। कितना बड़ा बड़ा हो गया, इसमें ये एक ही है। अभी नया लगाया, ये देखिए ये हो रहा है ग्रो, ये देखिए ना ग्रो हो रहा है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।